कांग्रेस और विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो देश आज से नहीं दशकों से देख रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें जाति जाति का जो तड़का लगाया उसने नरेंद्र मोदी के कान खड़े कर दिए। पीएम मोदी को समझ आ चुका है कि मुसलमान का बल्क में वोट लो और हिंदू को तोड़कर वोट ले लो वाला एक सियासी कॉकटेल बनाने का प्रयास हो रहा है इस देश में, जो आखिरकार देश के लिए ही बहुत घातक साबित होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही हिंदुत्व का चौथा गियर लगा रखा है। बॉस, हिंदुओं को जगाने और उन्हें यह समझाने का काम कि बटोगे तो कटोगे अब फुल स्पीड से हो रहा है। और यह काम मोदी और योगी सिर्फ नहीं कर रहे, बल्कि मोदी के नए हिंदू वॉरियर्स भी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में चुनावी पारा सातवें आसमान पर है। बाला साहब ठाकरे के वारिस जो काम नहीं कर रहे, वो काम वहां बीजेपी कर रही है, वो काम वहां नरेंद्र मोदी के नए वॉरियर्स कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव की लाइन लेंथ सेट कर दी है और देवेंद्र फडणवीस आजकल नए अवतार में दिख रहे हैं। वो वैसे ही तेवर के साथ बात कर रहे हैं जो तेवर योगी आदित्यनाथ के होते हैं। जैसे योगी बिना लाग लपेट खुलकर हिंदुत्व पर बोलते हैं, वैसे ही फडणवीस आजकल महाराष्ट्र में बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के जरिए मोदी योगी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नई लकीर खींच रहे हैं। फडणवीस हिंदुओं को एकजुट करने के लिए याद दिला रहे हैं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे। यह सब बीजेपी को महाराष्ट्र में क्यों करना पड़ रहा है? क्यों बीजेपी हिंदुत्व के लिए चौथा गियर लगाकर हिंदुओं को जगाने का इतना अथक प्रयास कर रही है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले आप महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बने देवेंद्र फडणवीस को सुनिए, वो आजकल कैसे फायर मोड में हिंदुओं को जगा रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को यह करना पड़ क्यों रहा है। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था, संभाजी राजे ने कह दिया अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस खुलकर कह रहे हैं भगवा लहराएगा हिंदुस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब का इतिहास याद दिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लोगों को इतिहास क्यों याद दिला रहे हैं, ये इतिहास क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फडणवीस लोगों को इतिहास इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि लोग इस बात को भूलकर जातियों में बंटकर वोट कर रहे हैं और उन लोगों के जाल में फंस गए हैं जो लोग जातियों में बांटने की राजनीति करते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में ही पीएम मोदी ने कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी की इस बात के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई। इसी में फडणवीस हिंदू समाज को जगाने के लिए हिंदुत्व के नए योद्धा बनकर सामने आए हैं और खुलकर हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को यह बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो इंडी गठबंधन का चुनाव में खुल्लम खुल्ला खेल देख रहे हैं। बॉस, इंडी गठबंधन ने हिंदू वोटों को बांटने और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का फॉर्मूला अपना लिया है। इंडी गठबंधन को इस फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में कुछ कामयाबी मिली थी और वो नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें घटाने में कामयाब हो गए। खास तौर पर महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को इसी फॉर्मूले से बड़ा फायदा हुआ जब लोकसभा की 48 में से 30 सीटें जीत ली गई। इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र में जीत के पीछे मुस्लिम वोटों की ज्यादा वोटिंग और एक तरफा वोटिंग के साथ साथ हिंदू वोटों का बिखराव मुख्य वजह था। अब बीजेपी ने इसकी काट के लिए इंडी गठबंधन का फॉर्मूला उसी पर आजमा लिया क्योंकि इंडी गठबंधन वोट जिहाद की बात करता है तो बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। इंडी गठबंधन मुस्लिम वोटर्स को मोदी योगी के नाम से डराता है तो बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को बताया कि जातियों से में बटने से दूसरे ही फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी यह बातें इसलिए कर रही है क्योंकि आप महाराष्ट्र में अगर वोटिंग पैटर्न देखेंगे, कैसे हिंदू जातियों में बटकर वोट दे रहा है और कैसे मुस्लिम वोट बल्क में वोट कर रहा है, आज आपको ये कुछ फैक्ट्स के साथ बताता हूं।
जैसे अगर आप महाराष्ट्र में वोटिंग पैटर्न देखेंगे लोकसभा चुनाव का, यह आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, महाराष्ट्र और यह महाराष्ट्र का आपको वोटिंग पैटर्न दिखा रहा हूं कि क्या पैटर्न दिखता है, जरा इसको आप देखिए, और यह लोकसभा का दिखा रहा हूं, लोकसभा अभी जो गया है। अपर कास्ट अगर आप देखेंगे, अपर कास्ट उसका वोट किसको कितना पड़ा भाई, एनडीए को कितना पड़ा, एनडीए को अपर कास्ट ने 58% अपर कास्ट ने वोट किया, लेकिन इंडी गठबंधन को 38%, ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं, ऊंची जाती हूं। मराठा का वोट किधर गया भाई, अगर आप मराठा वोट बैंक को देखेंगे, एनडीए को गया 46% और इंडी गठबंधन को गया 39%। यहां भी एनडीए आगे। ओबीसी का वोट किसको गया भाई लोकसभा चुनाव में, ओबीसी का वोट भी एनडीए को गया 50% और इंडी गठबंधन को गया 39%। यानी अगर आप यहां भी देखेंगे तो दोनों के बीच में एनडीए को ही बढ़त दिखती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे दलित का वोट किसको गया, दलित का वोट अगर आप देखेंगे तो यहां एनडीए 35% पर है और जो इंडी अलायंस है वो 46% पर रहा था लोकसभा चुनाव में। आदिवासी का वोट किसको गया, आदिवासी का वोट अगर आप देखेंगे, आदिवासी का वोट एनडीए को 35% गया और इंडी गठबंधन को 55% गया। आप देखेंगे कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, अपर कास्ट में से किसी वर्ग ने भी एक तरफा वोटिंग नहीं की है। सब आप देख रहे हैं, सब मिला जुला के बटाओ, 35-55, 35-46, 50-39 ऐसा मामला है। लेकिन मुस्लिम वोटों का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने कैसे एकमुश्त इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया, अब आपको इसका आंकड़ा दिखाता हूं। यह तो आपने देख लिया, अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में कैसे वोट किया था, यह देखिए मुस्लिम वोट, उसका आंकड़ा अब आप देखिए, मुस्लिम वोट एनडीए को कितना गया बॉस, एनडीए को गया मात्र 12% और इंडी अलायंस को मुस्लिम वोट गया 74%। तो बॉस ये एक तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है कि क्या पैटर्न लेकर इंडी गठबंधन चल रहा है, कि हिंदुओं का जो वोट है उसको तोड़ दो, 58-38, 46-39, 50-39 कहीं एक मुश्त वोट नहीं गया है। लेकिन मुसलमान का वोट आप देखिए, इंडी अलायंस 74 और एनडीए 12, अंतर देख रहे हैं 62% का अंतर है, वो भी तब जब एनडीए में अजीत पवार वाली एनसीपी थी जिसको मुसलमान थोड़ा तो वोट भी करता है, तब भी जाकर 12% से ज्यादा वोट एनडीए को नहीं पड़ा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए उनकी एक तरफा वोटिंग किसी भी कड़े मुकाबले में गेम पलट सकती है।